यदि आप पीएचडी कर रहे हैं या भविष्य में पीएचडी करना चाहते हैं या आप नेट जेआरएफ क्लियर कर चुके हैं, इन फ्यूचर में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहली बात तो आप जान लें कि क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, और यदि आप पीजी हैं और नेट की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिनको तर्क के आधार पर हमें जो है 4 से 5 क्वेश्चंस का हल करना रहता है, ये छोटी छोटी बातें आपको जो है कंपटीशन के लिए बेहतर बनाता है, तो हम सभी के लिए एक उपयोगी जानकारी आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि कोई टीचर भी है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का हो, चाहे हाई स्कूल का हो, महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। सबसे पहली बात हम जानने की कोशिश करें कि टीचिंग में टीचर के 3 मुख्य आधार है। सबसे पहला है टीचर, दूसरा है स्टूडेंट्स और तीसरा है एजुकेशन। ये तीनों चीज़ें टीचिंग में आवश्यक है। यदि स्टूडेंट है, टीचर नहीं है, तो हम टीचिंग नहीं कर सकते। यदि टीचर स्टूडेंट हैं, तब भी हम जो है टीचिंग नहीं कर सकते जब तक उसमें एजुकेशन ना हो। चौथा चीज़ है कोई ऑप्शन नहीं है। ये 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण आधार तत्व माना जाता है टीचिंग के लिए। अब सबसे पहली बात आज के वीडियो में हम देखेंगे टीचिंग में टीचर। एक सही टीचर के जो महत्वपूर्ण गुण होनी चाहिए वो क्या है, क्योंकि आप सबसे पहली बात टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर जब बनेंगे तो आप अपने आप में कल्पना कीजिए कि एक टीचर का क्या गुण होता है। किसी ने सही कहा है, मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ, पर अच्छे से जीने के लिए अपने गुरु का ऋणी हूँ। एक बार फिर सुन लीजिए, मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ, पर अच्छे से जीने के लिए अपने गुरु का ऋणी हूँ। ये कहावतें जो है कही गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, और निबंध लिखन में या गुरु पूर्णिमा के दिन या टीचर डे के दिन आप इस बात को बार बार दोहराते हैं। मैं यहाँ पर फिर दोहराता हूँ, गुरु की महत्ता को शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। बिना गुरु के आशीर्वाद के इस जीवन में सफल होना असंभव है। तो इस तरह के बहुत सारे कविताएँ भी बोला जाता है, जैसे मैंने कुछ पंक्ति आपके लिए सुना रहा हूँ। गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कही आकार। गुरु का सद आश्रय ही जग में है उपहार, प्रस्तव को क्षण क्षण गढ़े मूरत हो तैयार। गुरु वशिष्ठ होते नहीं और न विश्वामित्र, तुम्ही बताओ राम का होता प्रखर चरित्र। गुरुवर पर श्रद्धा रखे हृदय रखे विश्वास, निर्मल होगी बुद्धि तब जैसे रुई कपास। गुरु के करके वंदना बदल भाग्य के ले, बिना आँख के सूर्य ने कृष्ण लिए थे देख। गुरु से गुरुत्ता ग्रहण कर लघुता रख भरपूर, लघुता से प्रभुता मिले प्रभुता से प्रभु दूर। तो इस तरह के बहुत सारे कविताएं जो है बोला जाता है। तो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे पहली बात जो है, टीचर को हमेशा क्लास में कमज़ोर छात्र का पहचान करना चाहिए। जो मैंने लिटरेचर के आधार पर जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, इस बात की हमेशा जो है मैं जो पहला पॉइंट बता रहा हूँ उसके एक बार फिर पर सुन लें। टीचर हमेशा क्लास में कमज़ोर छात्र का पहचान करता है, ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, टीचर छात्र के मनोभाव के साथ जीता है। तीसरा पॉइंट है, टीचर हमेशा छात्र की भलाई के लिए सोचता है। टीचर हमेशा छात्र के ज्ञान को पहचानता है तथा छात्र कैसे उन्नति करे इस बारे में प्रयासरत रहता है। पांचवा पॉइंट है, टीचर्स हमेशा सही मार्ग बताता है, कैसे छात्र प्रगति के एक पथ पर बढ़े और इसके बारे में ध्यान देता है। छठवां पॉइंट है, टीचर हमेशा स्टूडेंट के साथ मित्रवत व्यवहार करता है। क्लासरूम के बाहर स्टूडेंट के साथ एक पारिवारिक एवं सम्मानित व्यक्ति के रूप में अपना दायित्व निभाता है। इस तरह के हमने जो है 6 पॉइंट आपको बताए हैं। कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि टीचर के लिए भी क्या होना चाहिए, टीचर का भी दायित्व क्या है। मैंने एक कहानी बता रहा हूँ। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था।
एक बार उसने मंत्रिपरिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करता था, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान, गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरुजी से ही पूछ कर दीजिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, राजा ने विनती किया गुरुजी से। तब गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको न तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और न ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे स्थान पर बैठाएं और स्वयं नीचे बैठें, तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त न कर पाए। राजा की समझ में सारी बात आ गई थी। उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। साथियों, इस छोटी सी कहानी का सार क्या है? हम रिश्ते नाते, पद, धन, वैभव किसी में भी कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, हम अगर अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देते हैं तो हमारा भला नहीं होना मुश्किल है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचा बैठने से नहीं है, इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं के ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं? अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति हे भावना रखेंगे तो हमें उनकी योग्यताएं और अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला, और अगर हम उनका आदर करेंगे तो उन्हें महत्व देंगे तो उनका आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कमज़ोर छात्र का पहचान कैसे करेंगी, कमज़ोर छात्र से तात्पर्य यहाँ पर एजुकेशन से है, न कि सोशली, इकोनॉमिकली या कोई अन्य बैकग्राउंड। क्योंकि टीचर इसलिए क्लास में बार बार प्रश्न पूछता है ताकि ये जान सके कि उनके कौन स्टूडेंट होशियार है, मध्यम है या पुअर स्टूडेंट है। टीचर ये भी देखता है कि उनके स्टूडेंट के पास में स्टडी मटेरियल जैसे टेक्स्ट बुक, नोटबुक या अन्य आदि उपलब्ध है या नहीं। टीचर वीकली, मंथली, विनिट टेस्ट भी लेता है ताकि जान सके कि कौन पुअर स्टूडेंट है। टीचर स्टूडेंट के मनोभाव को भी पढ़ता है, ये जो हमने दूसरा पॉइंट बताया था, और परखता भी है। जैसे क्लास में स्टूडेंट मन लगाकर सुन रहा है या नहीं, रोज टाइम में क्लास आ रहा है या नहीं, उनका आवाज़ उन तक पहुँच रहा है या नहीं, टीचर जो बोल रहा है वह समझ पा रहा है या नहीं, इन बातों को टीचर जो है ध्यान देता है। इसलिए टीचर को ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत पड़ती है। साथियों, आप स्टूडेंट के प्रति जो मनोभाव है वो शुद्ध रखना है। एक टीचर इतना कम बोल रहा है जिससे बच्चे का मन ही नहीं लगता है, तब ऐसे स्थिति में क्या करें? इतना ज़्यादा बोलते हैं कि उनके दिमाग में घुसता भी नहीं है। इसलिए टीचर के मनोभाव को समझकर उसी रीति से टीचिंग करना होता है। अब छात्र की भलाई के लिए टीचर सोचता रहता है, क्या सोचता रहता है, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा महत्व देता है। सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, लेक्चर प्रोग्राम, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करता है, फील्ड वर्क देता है, सर्वे कराता है, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए जोर देता है। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भी टीचर जो है स्टूडेंट को टिप्स देता है, क्विज कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए जोर देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, टीचर स्टूडेंट के साथ मित्रवत संबंध रखता है। यहाँ मित्रवत से तात्पर्य यह नहीं है कि उनके साथ में फिल्म देखने जाएं,
या उनके साथ में मस्ती करते हुए दिखें, बल्कि पारिवारिक माहौल में अपने स्टूडेंट को साथ रखें। तभी स्टूडेंट अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को बता सकता है। टीचर उनके पर्सनल लाइफ में जो भी कठिनाइयाँ हैं उनका भी हल करने का दायित्व टीचर का है। जैसे किसी स्टूडेंट, जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ ही कुछ हुआ था। एक उदाहरण बता रहा हूँ, एक छात्रा थी, उनके कैंसर पिता को इलाज कराने शहर में आती है, जहाँ डॉक्टर ने शहर के डॉक्टर से मिलने के लिए कहता है, लेकिन स्टूडेंट को उन डॉक्टर के बारे में पता नहीं है। स्टूडेंट को पता है कि इलाज में तीन से चार लाख रुपए खर्च होना संभावित है। स्टूडेंट, मैं उनके टीचर हूँ, जो मुझे फ़ोन करती है और सारी घटनाएं बताती है। मैं स्टूडेंट को सलाह देता हूँ कि मेडिकल कॉलेज के कैंसर विशेषज्ञ मेरा दोस्त है, उनके पास ले जाइए, मेरा नाम लीजिएगा और मुझसे बात कराइएगा। स्टूडेंट अपने पिता को उस डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ जाने के लिए मैं सलाह दिया था। डॉक्टर ने मेरे कारण ज़्यादा ध्यान देता है और वो पेशेंट और स्टूडेंट से वो सलाह देता है कि ये जो गांठ दिखाई दे रहा है, ये गांठ कैंसर नहीं हो सकता है। लेबोरेटरी में ले जाकर एक छोटी सी चीरा लगाता है और उसमें मलहम पट्टी कर देता है, कुछ दवाइयाँ लिख कर देता है। दवाई का मूल्य यूं ही 8 से 10 रुपया होगा। पांचवा दिन बुलाता है और देखता है उनका घाव सूख गया है। फिर 5 रुपये का एक मलहम और ख़रीदने के लिए कहता है। सोचिए, कल्पना कीजिए, आज पूरी तरह से ठीक है। स्टूडेंट बताती है कि उनके पिता के इलाज में केवल 1000 रुपये खर्च हुआ है, वो भी आने जाने के किराए में ज़्यादा खर्च हुआ है। साथियों, हम ये सब इसलिए बता रहे हैं कि जब तक हम स्टूडेंट के साथ में टीचर जो है मित्रवत संबंध नहीं रखेगा, तब तक हम उन पर जो है सुधार नहीं कर सकते। जैसे कि हम स्टूडेंट को बार बार कह सकते हैं कि बेटा, आप जो है एक लक्ष्य बनाइए, क्योंकि सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। हम गाइड भी हैं, हर टीचर जो है स्टूडेंट का गाइड होता है। उनसे कुछ लक्ष्य तय करने के लिए कहें। जैसे जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है और आप वहाँ पहुँचते हैं। सोचिए, अगर आपको यह नहीं पता हो कि आपको कहाँ जाना है तो भला आप क्या करेंगे, इधर उधर भटकने में ही समय व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह इस जीवन में भी यदि आपने अपने लिए लक्ष्य नहीं बनाए हैं तो आपकी ज़िंदगी तो चलती रहेगी, पर जब बाद में आप पीछे मुड़ कर देखेंगे तो शायद आपको पछतावा हो कि आपने कुछ खास नहीं किया। इस तरह से आप अपने स्टूडेंट को अच्छी शिक्षाएँ दे सकते हैं। लक्ष्य व्यक्ति को एक सही दिशा देता है, उसे बताता है कि कौन सा काम उसके लिए ज़रूरी है, कौन सा नहीं। यदि गोल क्लियर हो तो हम उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं। हमारा जो माइंड है हमें उसी के अनुसार एक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो उसे पाने के रास्ते भी साफ नज़र आने लगते हैं और इंसान उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा देता है। उसके बाद में स्टूडेंट के लिए क्या निर्देश है, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए भी आप उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। आप जिनको खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं, उन्होंने इंसान को सीमित ऊर्जा और सीमित समय दिया है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इसका उपयोग सही तरीके से करें। लक्ष्य हमें ठीक यही करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप अपने एंड गोल को ध्यान में रखकर कोई काम करते हैं तो उसमें आपका कंसंट्रेशन जो है और एनर्जी का लेवल कहीं अच्छा होता है। जैसे कि जब आप किसी लाइब्रेरी में बिना किसी खास किताब को पढ़ने के मकसद से जाते हैं, आप यूं ही कुछ किताबों को उठाते हैं, उनके पन्ने पलटते हैं और कुछ एक पन्ने पढ़ डालते हैं। पर वही अगर आप किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा करने के मकसद से जाते हैं तो आप उसके मतलब के ही किताबें चुनते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। दोनों ही केसेस में आप समय उतना ही देते हैं, आपकी जो एफिशिएंसी है में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। इस तरह लाइफ में भी अगर हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है तो हम यूं ही अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे, नतीजा खुद खास निकलेगा नहीं। लेकिन इसके विपरीत जब हम लक्ष्य में ध्यान रखेंगे तो हमारी एनर्जी सही जगह उपयोग होगी और हमें रिजल्ट देखने को मिलेगी। सफल होना है तो एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो उनसे पूछिए
कि कैसे सफल व्यक्ति बनते हैं, इसके लिए भी जो है बहुत सारे चीज़ें जो है आपको उनको गाइडलाइन कर सकते हैं। कई स्टूडेंट ये कहते हुए सुने होंगे कि टाइम नहीं है, या पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, या पारिवारिक झंझट उलझने इतने ज़्यादा है कि पढ़ने के लिए हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। दोस्तों, टाइम की बात जो है टाइम मैनेजमेंट वाले लोग ही समझ सकते हैं, लेकिन हकीकत में एक व्यवहारिक प्रश्न है कि हमें पारिवारिक जो जिम्मेदारी है उसके साथ साथ हमें जो है अपने स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ता है। मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ आपको। USA के फेमस मैथमेटिशियन चार्ल्स एप ने रोज केवल 1 घंटा मैथ सीखने का नियम बनाया था और उस नियम पर अंत तक डटे रहकर भी मैथ्स में महारत हासिल किया। ईश्वरचंद विद्यासागर जब कॉलेज जाते थे तो रास्ते के दुकानदार अपनी घड़ियाँ उन्हें देखकर ठीक करते थे। वे जानते थे कि विद्यासागर कभी 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं चलते। मोजार्ट ने हर घड़ी उपयोगी कार्य में लगे रहना अपना जीवन का आदर्श बना लिया था। उन्होंने रैक्यूम नामक फेमस ग्रंथ मौत से लड़ते लड़ते पूरा किया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के मंत्री का अत्यधिक व्यस्त उत्तरदायित्व तो निभाते हुए मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट की रचना की थी। राजकाज से उन्हें बहुत कम समय मिल पाता था, तो भी जितने कुछ मिनट वह बचा पाते उसी में उस काव्य पर काम कर लेते। इस तरह से मेडिसिन आपने पता होगा गैलीलियो की मेडिकल साहब थी, फिर भी उसने थोड़ा थोड़ा समय बचाकर विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार कर डाले। हेनरी किर्क ने घर से ऑफिस तक पैदल आने जाने के समय का सदुपयोग करके ग्रीक सीख लिया। फौजी डॉक्टर बनने पर उनका अधिकांश समय घोड़े की पीठ पर बीतता था। उन्होंने उस समय भी इटालियन और फ्रेंच भाषा सीख ली। एडवर्ड वाटलर ने राजनीति और पार्लियामेंट के कार्यक्रमों में बिजी रहते हुए भी 60 ग्रंथों की रचना कर ली। वह कहते हैं कि उन्होंने रोज 3 घंटे का समय पढ़ने लिखने के लिए फिक्स किया था। रोज चाय बनाने के लिए पानी उबालने में जितना समय लगता है उसमें व्यर्थ न बैठकर लॉन्ग फेले ने इन्फरल ग्रंथ का अनुवाद कर लिया। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को इसलिए हरा दिया क्योंकि वहाँ के सैनिक उसका सम्मान करने के लिए 5 मिनट देरी से आए। इस तरह से बहुत सारे घटनाएं। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन इसलिए बंदी बना लिया गया क्योंकि उसका सेनापति 5 मिनट देरी से आया। महात्मा गांधी दातून करने से पहले शीशे पर गीता का श्लोक चिपका लिया करते थे और दातून करते समय याद कर लिया करते थे। इस तरह से उन्होंने गीता के 13 अध्याय याद कर लिया। तो ये सरप्राइजिंग है। आप अपने स्टूडेंट को इस तरह से कहानी किताबों के माध्यम से आप अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ने का रास्ता बता सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टीचर जो है स्टूडेंट को जो बनाना चाहे वो बना सकता है। ये गलती स्टूडेंट की नहीं है, ये टीचर की गलती है, क्योंकि टीचर हमेशा सही मार्ग बताता है। लेकिन वो सही मार्ग बताए तब ना, केवल उनके दिमाग में ये रहता है कि अपने को कोर्स कंप्लीट करना है। दोस्तों, टीचर का दायित्व केवल कोर्स कंप्लीट करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। साथ ही साथ इस तरह से बच्चों को मार्गदर्शन प्रस्तुत करना और साथ ही साथ आपके टेक्स्ट बुक के कोर्स भी कंप्लीट करना। जो लोग उसी 24 घंटे में इतना कुछ कर सकते हैं तो प्रश्न उठता है कि आखिर हमारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। आप ऐसे नहीं केवल टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि हम एक अच्छे नागरिक बनाएं अपने स्टूडेंट को। हम अपने स्टूडेंट को एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनाएं, साथ ही साथ एक अच्छे समाज सुधारक बनाएं, एक अच्छे राजनीतिज्ञ बनाएं। साथ ही साथ ये भी हम उसको ध्यान रख सकते हैं, समय के वैल्यू को उन्हें समझाएं। इस तरह के गाइडलाइन जो है आप अपने स्टूडेंट को देंगे और इन फ्यूचर में कभी टीचर बनेंगे तो आप सबसे पहली बात जो है इस वीडियो में जो गाइडलाइन दिया गया है उस गाइडलाइन के आधार पर आप उन्हें मार्ग प्रशस्त करें और देश की सेवा में आपकी योगदान बना रहे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ में आज इतना ही। हमें विदाई दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।